हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, शाम हो गई है, बज रहे हैं 7, और कैसे हैं आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे भोपाल में एक्चुअली लगा हुआ है अभी लॉकडाउन, और लॉकडाउन के टाइम में बाहर निकलना बिल्कुल है मना। तो आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था, तो हम सब लोगों ने मिल करके, खास करके मेरे हस्बैंड ने, तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिए हैं। तो आज हम लोग वही खाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। ये देखो, बहुत ज़्यादा खुश है बेबी, और थोड़ी देर में आने वाला है पिज़्ज़ा। फिर मैं आप लोगों को दो मिनट में, देखो बहुत ज़्यादा भूख लगी है बेबी को। तो आज होगी पिज़्ज़ा पार्टी घर में ही, और क्योंकि बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और बच्चों का कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था, तो इसीलिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया इन्होंने। तो बोले कि, तो इसलिए चलिए और मिलते हैं आपसे आगे वीडियो में। बहुत मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है। आप लोगों ने देखा ही है हम लोग कितना इन्जॉय करके खाते हैं किसी भी चीज़ को। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो ये देखिए, मैं गुड़िया को दिखाती हूँ आराम से कितना डांस कर रही है। ये देखिए डांस हो रहा है इसका पूरे छत पे। और ये देखो क्या कर रही है बेबी, नाच रहा हूँ। क्यों? तो मच्छर इतना ज़्यादा हो रहा है ना हमारे इधर, बहुत ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, क्योंकि आज हमारा परिवार, हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाली है। तो चलिए मिलते हैं आगे, है ना। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए पिज़्ज़ा हमारे आ गए हैं दोनों, और मैं इनको खोल करके बताती हूँ। और ये देखिए टेबल लग गई है, और दोनों देखिए यहीं पर बैठ गए हैं ईसु बेबी। तो चलिए ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए अनबॉक्सिंग हो गई है पिज़्ज़ा की, और देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। ये पास्ता पेपी पे है और वो पनीर पेपी पे है, दोनों बहुत ही अच्छे और लाजवाब दिख रहे हैं। खाने में तो टेस्टी होंगे ही, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो किस किस को पिज़्ज़ा पसंद है सबसे पहले तो कमेंट करके बताइएगा, और आज की पिज़्ज़ा पार्टी में आप लोग भी इनवाइट हैं, आइएगा पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं। तो ये देखिए मसाला हमारे घर लगने लगा है, तो चलिए आप लोग इन्जॉय कीजिए। ये देखिए पिज़्ज़ा हमारा मसाला लग करके हो गया है तैयार। अब हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब इंतज़ार हो नहीं रहा है और ठंडा हो जाएगा ये। तो देखिए खाना स्टार्ट हो गया है। मेरे घर में बहुत फुर्ती होती है खाने में, क्योंकि सब लोगों को, हम लोग वही चीज़ खाते हैं सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद हो, और मेरे घर में हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करके खाया जाता है एकदम अच्छे तरीके से। मतलब इतने अच्छे से सभी लोग खाते हैं ना, बहुत अच्छे से। और मैंने देखिए कैमरा लगा दिया है, और अब मैं खाने के लिए बैठूँगी। और अब मुझे कौन सा पसंद है, मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, पास्ता वाला, तो सबसे पहले वही वही खाऊंगी मैं।
तो ये देखिए हम लोग खा रहे हैं और भैया को बुलाने के लिए मैं बोल रही हूँ, तो वो ही देखिए ईशु जाएगा बुलाने के लिए, आवाज़ लगा देगा चाचा को, तो आ जाएंगे वो भी। तो हम लोग सब लोग मिल करके इसी तरीके से कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं ना, तो इसी तरीके से पूरी फैमिली बैठ करके खाती है। खाना भी हम लोग सब लोग इसी तरीके से बैठ करके खाते हैं, जब बन जाता है तब सभी लोग एक साथ इंजॉय करते हैं। और देखिए कितना मज़ा आ रहा है खाने में, और किस किस के मुँह में आ रहा है पानी। तो ये देखिए ईशु को कितना मज़ा आ रहा है खाने में, और सभी लोग खा रहे हैं अपनी अपनी पसंद का, जो जिसको पसंद आ रहा है वही। और इस तरीके से पिज़्ज़ा पार्टी कौन कौन लोग करते हैं सब लोग कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए भैया आ गए हैं, और मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना इस तरीके से खाने में कि क्या बताऊँ मैं, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये देखिए दोनों भाई इधर बैठे हुए हैं और सब लोग नीचे बैठ करके खा रहे हैं। हम लोगों को इस तरीके से फैल करके खाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब हमारे घर में इस चाइनीज़ फूड आपको पता ही है, जब भी हम लोग खाते हैं तो अच्छे तरीके से खाते हैं, चाहे मैगी हो, चाहे पास्ता हो, चाहे मतलब पिज़्ज़ा हो। और ईशु का तो धीरे धीरे करके फेवरेट ही हो गया है पिज़्ज़ा, बट हम लोग जब भी इसको खाते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में ही खाते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस तरीके से। आप लोग भी अपने घर में मंगवाइएगा और खाइएगा, घर में बैठ करके खाने का मज़ा ही कुछ और है। और ये देखिए धीरे धीरे करके हो गया है ख़त्म, क्योंकि लार्ज साइज़ के थे तो दो लार्ज पिज़्ज़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वही देखिए बेबी को तीखा लग गया है, उसने मिर्ची खा ली है, तो ये देखिए मासी उसको खिला रही है और बेबी भी खा रही है, देखती जाती है कौन कौन ने क्या क्या खा लिया है, सब कुछ बाद में बताएगी सबको। और ये देखिए ईशु को तो बहुत मज़ा आता, देखिए कैसे कर रहा है, बच्चों के इस तरीके के एक्सप्रेशन देख करके बहुत अच्छा लगता है। और ये दोनों भाई बैठ करके खा रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी बातें डिस्कस कर रहे हैं, और बच्चों का ही देखने का है। देखिए मैं दिखाती हूँ उसको किस तरीके से इंजॉय करके खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं अपना और खा रहे हैं। और बच्चे इसी तरीके से भगवान की दुआ से बड़े हो जाएं, बस यही मैं चाहती हूँ। आप लोग भी यही दुआ कीजिएगा कि मेरी परिवार को, मेरी फैमिली को किसी की नज़र ना लगे, इसी तरीके से हम लोग खाते रहें, खेलते रहें और हमेशा खुश रहें, बस यही प्रे कीजिएगा, यही आशीर्वाद दीजिएगा। और आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आज की पिज़्ज़ा पार्टी आप लोगों को कैसी लगी इस बात को ज़रूर बताइएगा, और कौन कौन इस तरीके से मिल करके पिज़्ज़ा खाते हैं घर में। तो ये बेबी बैठी हुई है, तो अभी के लिए बस इतना ही करती हूँ मैं अपनी बातों का एंड, आप लोग करिएगा इंजॉय, लेकिन लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरीके से अच्छी वीडियो आप लोगों को मिल पाए। पिज़्ज़ा पार्टी हमारी हो गई है एंड, और एक पीस बचा हुआ है बेबी का, और पिज़्ज़ा हम लोगों ने खा लिया है। बेबी पेट भर गया, क्या खाया बेबी ने आज? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा कौन सा वाला? चीज़ पिज़्ज़ा। ये देखो चीज़ पिज़्ज़ा खाया है बेबी ने। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर करती हूँ एंड, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो अभी के लिए बस इतना ही करते हैं, बाय बाय। बाय बाय करो।